ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਪਰ ਚੜੀ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਆ ਜ਼ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਬਲਾ ਬੰਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਵਾਬੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਵੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੜਨੇ ਸਫ਼ਰ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸਕਾਡ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਰਾਤੀ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਕੱਢਣ ਆ ਰਿਹਾ का जो गेट है यहाँ से गेट में होता है यहाँ पे लिखा हुआ है सारे के 10 किलोमीटर दूर है सिंगल 20 किलोमीटर जो है वो 73 किलोमीटर बेसिकली तो अगर नॉर्मल रोड पे सफ़र किया जाए तो तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा या 1.25 घंटा लेकिन यहाँ पे आगे रास्ता ख़राब है तो 6 घंटे अपने जहन में रख के भी इससे आगे निकले बहुत ही ज़बरदस्त जगह है बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन गाड़ी चला चला के ना अभी थोड़ा सा रेस्ट करने का मूड हुआ तो इस वजह से थोड़ा रुक गए अभी रेस्ट कर रहे हैं तो फिर आगे चलते हैं अभी जी थल बाज़ार के पास मतलब 1 किलोमीटर पीछे होटल बुक कर ली है तो कुमराट वैली यहाँ से काफ़ी आगे है जीप जाती है तो अभी यहाँ पे रेस्ट करेंगे खाना खाएंगे सुबह कुमराट वैली के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह और ये जी रहा हमारा कमरा ये अंदर से सारा लकड़ी का काम हुआ हुआ है होटल में बड़े मज़े के इनके अपने लकड़ी के बेड बने हुए हैं ये देखो आते ही यहाँ पर ठंड है मतलब और ये रजाइयों में चले गए आते ही आए तो अभी रेस्ट करते हैं थोड़ा आए तो फिर खाना वगैरह खाएंगे अभी पता नहीं खाने में क्या मिलेगा मुझे तो पता नहीं है थोड़ी देर में पता चल जाएगा फिरने टुरने आए हैं तो ऐसा खो ये भी पाई यार गलती ना लेना आई फोन चाहिए कि दे बस साढ़े इस मुसीबत ही है इन्हें इतना भी फोन ने खड़ा नहीं छोड़िया होटल ड्रीम रिजॉर्ट ड्रीम लैंड रिजॉर्ट इसरार भाई अफताब भाई बड़े मेहमान नवाज बंदे ने बड़ी खिदमत की थी ने साड़ी खाना तो खाई रहे खैर लेकिन ईद ने दिना पता ही होटल बंद होने लेकिन फिर भी जरा इन्होंने को वेले पाला खाना अभी जी सिर्फ 5 मिनट पहले मैं अंदर गया हूँ रूम में और ये नज़ारा आप देखें कि इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है तो एकदम से मैं ऐसे झटका लग गया और हम उठ के बाहर आ गए कि ये क्या हो गया बहुत तेज़ बारिश एकदम से सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा मैं अंदर गए हुए नहीं हुआ और ये देख लें कि कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है हमारा तो इस तरह से जो है वो झटका लग गया एकदम से बस हम समझ रहे थे क्योंकि साथ में दरिया भी है तो शायद सैलाब आ गया ना एकदम से लेकिन एकदम बाहर आए तो ये देखो बारिश हो रही है बहुत मज़ा आ रहा है के 7:30 बज चुके हैं अभी नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है और यहाँ की सुबह देखिए कितनी पुरसकून और मजे की है किस्सों से मजा आ गया समझो खैर जन्नत ही है वैसे फिरने तो रहने हर साल तकरीबन लेकिन इधर ही आनी मजा आना अपने एरिए मजा आना लेकिन यह गर्मियां जड़ी ना तबाही दिल कर रहा है बस छपरा लाई है बंदा लम्मा पे ये
सारे लोग यहाँ ना तैयार हो चुके हैं। और ये चेक करें, बादल जो पहाड़ों को घेरे हुए हुए लश माहौल है बहुत ही। और ये ज़रा दरिया की सिचुएशन चेक करें, ओए लश स्वाद आ गया। ये पराठा इस साइड पे जो बनता है हमारा, तो तवे पे या तंदूर पे पराठा बनता है, लेकिन ये पराठे को पूरी की तरह ना फ्राई करते हैं, जिस तरह पूरियां फ्राई की जाती हैं इसी तरह यहाँ के पराठे भी फ्राई किए जाते हैं। हो गई है जी हमारी अभी तो जर्नी स्टार्ट हो गई है, जो आगे कुमराट वैली के अंदर पॉइंट से उनके ऊपर जाने के लिए, तो ये गाड़ी ले ली है हमने इसके निकल रहे। और यहाँ पे हमारी गाड़ी में दो तीन बिल्लियां घुस गई हैं अभी। ये यहाँ पे अभी ऊपर अबशार की तरफ जाएंगे, लेकिन गाड़ी हमारी यहाँ पे आके रुक गई, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। तो अभी पैदल पैदल निकलते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता अबशार की तरफ इस तरह से। ये आगे सारा जो है ना पैदल रास्ता है। डेकलाम वाली साइड पे उधर भी खूबसूरती है, लेकिन इतने दरख्त वगैरह नहीं है ना, इधर बहुत मजा है। वहां तक तो पहुंचते पहुंचते लगता है हमारा काम हो जाएगा, इतनी पैदल बाट तो कभी अरसा ही हो गया किए हुए, तो गेम भी नहीं है अभी, तो बहुत थक हो गए। अभी देखते हमारा क्या शुरू होने वाला है। और ये देखें सांस तो फूल गया है, उफ हाय, पैदल तो कभी चले नहीं है, अरसा हो गए। अब शहर के पास बिल्कुल पहुंच गए। कुदरत तको ना कितना बड़ा पहाड़ आ था, जमीनी खुनी 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 पानी कोई नहीं था, तको अल्लाह की शान, कितना बड़ा पहाड़ उतरु पानी कितना ज्यादा है। ठंडा पानी हमारे फ्रिजों में इतना ठंडा नहीं होता है जितना ठंडा इधर चश्मे का पानी है, बहुत ठंडा है। वैसे तो पैदल क्रॉस करना बहुत मुश्किल है दरिया, लेकिन छोटे छोटे जगह पे ऐसे लकड़ी के छोटे छोटे कुल बना सकते। अभी जी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, काला चश्मा भी हो गया, आबशार भी हो गई, फिर दो तीन पॉइंट। अभी तो ये वादी इतनी बड़ी है कि जितना भी घूमते जाएं उतना ही कम है, तो
बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए सारी वादी को घूमने के लिए। वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। मशीन नजर आ रही है, लकड़ी की मशीन बनी हुई है, पानी की मशीन बनी हुई है। इनके कहने के मुताबिक 2 से 3 या 3 साल से ज्यादा अच्छा होता है इस मशीन को बनाए हुए, बहुत ही खूबसूरत मशीन है। अभी जी बहुत बुरी तरह से थक चुका हूँ, बहुत बुरी तरह से, और होटल में वापस पहुँचा है। अभी रेस्ट करने का मूड है, रेस्ट। अभी जी दोबारा से प्लान बन गया आगे। अभी हम थल बाज़ार से वापस निकल रहे हैं, दीर में जाके स्टे करने का प्लान बन गया। तो अभी थोड़ा रेस्ट किया है, कावा वगैरह पिया है, फ्रेश हो गए। अभी जी रात स्टार्ट हो गई है और हमारा जो ख़राब ट्रैक है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी ख़राब ट्रैक पे चल रहे हैं, दीर पहुंचने वाले हैं तकरीबन। ये जी 4 घंटे की ड्राइव के बाद ना एक होटल रास्ते में मिला है दीर के पास, यहाँ पे पहुँचे। होटल माशाल्लाह साफ सुथरा नया बना है। सुबह के जी 9 बज रहे हैं और अभी हम उठे हैं क्योंकि रात को थके हुए थे, और कल जिस जगह पे थे वहाँ पे इस टाइम तक तो सूरज सामने ही नहीं आया था। मौसम इस तरह का था, वहाँ पे पहाड़ इस तरह के थे। ये चकदरा के पास एक जगह जहाँ पे कोई बड़ी कुल्फी कुल्फी लग रही है, ये बना रहे हैं तो इधर रुके हैं कुछ खाने के लिए। इनके पास बड़ा रश है, रश देख के मैं एकदम से ब्रेक लगा दिया, रुके होंगे। ये भी है जी, ये भी रश में आते हैं, ये भी रश में आते हैं भाई साहब। वो भी ये जी मेरी आइसक्रीम आ गई है, लग बड़ी मजे की गई। अभी चेक करते हैं। स्वात मोटरवे पे चढ़ गए तो तकरीबन यहाँ से 200 किलोमीटर है इस्लामाबाद। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मर्दान से दोबारा हम मोटरवे पे चढ़ गए और इस्लामाबाद की तरफ सफ़र वहाँ वहाँ शुरू हो चुका है। तो इस्लामाबाद में जाके हमने करना है डिनर, उसके बाद घर की तरफ निकलते हैं। तो अभी मिलते हैं जाके डिनर वाली जगह पे, वो देखते हैं कि डिनर हमने कहाँ पे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस्लामाबाद पहुँचे हैं, अभी इंटरचेंज से उतरने लगे हैं मोटरवे से। और ये जी हम अभी पहुँच गए हैं पिंडी, और पिंडी का मशहूर है जमाना फूड, सेवर फूड, वो खा के निकलेंगे। अभी सेवर फूड पे पहुँच गए, इधर ही खाना खाना है और निकलना है। और ये जी हमारा मशहूर है जमाना सेवर के चावल पहुँच गए, बड़ा टाइम हो गया था। वैसे भी घर में तो गोश्त ही गोश्त हुआ पड़ा है, तो सोचा चलो चावल ही खा के निकलते हैं।